वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल, जिसकी आज की वीडियो में हम सिंगल कलर का ये डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। देखिए, सिंगल कलर का ये डिज़ाइन है, केवल सीधा उल्टा बुनते हुए हमने इसे बनाया है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें फंदे लेने हैं 8 के मल्टीपल में, प्लस 4 प्लस 2। 8 के मल्टीपल प्लस 4 में ये डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा और दो फंदे हमने एजेस के लिए लिए हैं। तो चलिए, फर्स्ट रो इसकी हम राइट साइड से बनाएंगे। देखिए, पहला फंदा हमने स्किप किया, बाकी सारे फंदों को हम सीधा बुनेंगे। ये हमारे डिजाइन का फर्स्ट रो है राइट साइड से, जिसमें हम सारे फंदों को सीधा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। राइट साइड की हमारी जितनी भी रो होंगी वो सब सीधा बुनते हुए ही कंप्लीट होंगी। कंप्लीट होने के बाद अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड रो टू में। देखिए, यहाँ हम पहला फंदा स्लिप करेंगे। ये हमारा एजेस का स्टिच है, इसको हमें हर बार स्लिप करना है। दो फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए हैं, इनको हम डिजाइन में काउंट नहीं करते। अब यहाँ चार फंदे हम उल्टे बुनेंगे। चार फंदे उल्टे हमने बुने, धागा पीछे ले जाएंगे। ये देखिए, धागा हम पीछे ले गए। अब चार फंदे सीधे बुनेंगे। ये 8 सिलाइयों का हमारा रिपीट पैटर्न है, जिसमें हमें चार फंदे उल्टे बुनने हैं, चार फंदे सीधे बुनने हैं। देखिए, फिर से हम धागा अपनी साइड लाए और चार फंदे हम उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे, चार फंदे सीधे। इसी तरह से इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, ये हमारी सेकंड रो है, इसके जैसी हमें 4 और 6 रो भी बनानी है। रो 4 और रो 6 में हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। यहाँ पर सेकंड रो को रिपीट करेंगे। अब देखिए, लास्ट के चार फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुनेंगे। चार फंदे उल्टे बुनने के बाद देखिए, हमारी सिलाई में एक एजेस का स्टिच बचा, इसको भी उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। अब इस तरह से ये दो सिलाइयां हमारे डिजाइन की देखिए कंप्लीट हो गई हैं। फर्स्ट रो हमने सीधी सीधी बनाई थी राइट साइड से, सेकेंड रो में हमने चार फंदे उल्टे चार फंदे सीधे इस पैटर्न को रिपीट किया। अब इसी तरह से हमें 6 सिलाइयां बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। ये थर्ड रो, इसको हम राइट साइड से सीधा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। फोर्थ रो में हम सेकंड रो को रिपीट करेंगे। फिर इसी तरह से एक बार और रिपीट करते हुए 6 सिलाइयों तक हम अपने इस डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, ये 6th रो तक हमारा ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। 6th रो में हमने इस डिज़ाइन को बनाया। अब 7th रो में सारे फंदों को हम सीधा बुनेंगे। राइट साइड रो 7 में सभी फंदों को सीधा बुनते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए, राइट साइड रो 7 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम रॉन्ग साइड में आ जाते हैं रो 8 के लिए। रो 8 में हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर हम डिज़ाइन कंटिन्यू नहीं करेंगे, सभी फंदों को उल्टा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेंगे।
सिलाइयाँ हमारे डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई हैं और अब ये आधा डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हमें इस डिज़ाइन को ट्रांसफ़र करना है। ये हमने यहाँ पर सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाई थी, ये अब इस जगह पर आ जाएंगी और जो ये उल्टे उल्टे फंदे हैं ये हमारे फर्स्ट रो पर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इस डिज़ाइन को ट्रांसफ़र करेंगे 8 सिलाइयों में। तो चलिए हम 9th रो बनाना स्टार्ट करते हैं। 9th रो में सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। राइट साइड की हमारी सभी सिलाइयाँ सीधी हैं तो इसको भी हम सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। हमारे डिजाइन में जो चेन शुरू होगा वो हमारा रॉन्ग साइड से होगा। देखिए राइट साइड रो 9 हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए यहां से हमारा डिजाइन चेंज होगा तो हम कैसे करेंगे। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, ये हमने पहला फंदा स्लिप किया। अब देखिए पहली बार में ही हम धागे को पीछे ले जाएंगे। ये देखिए पीछे की तरफ हम धागे को ले गए। अब 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। देखिए 4 फंदे हमने यहां पर सीधे बुने, धागा आगे लाएंगे, 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। यहाँ पर देखिए हमने 8 फंदे बुने, 8 फंदों का हमने ये पैटर्न बनाया अभी, जिसमें हमने 4 फंदे सीधे बुने, 4 फंदे उल्टे। अब इन्हीं 8 फंदों को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। धागा पीछे ले जाएंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे। फिर धागा अपने साइड लाकर 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब ये हमारी 10th रो है, इसके जैसे ही हमें 12th और 14th रो बनानी है। देखिए इस तरह से रिपीट करते हुए हम लास्ट में आ गए। अब हमारी सिलाई में देखिए 5 फंदे बचे हुए हैं। 5 फंदों में से 4 को हम सीधा बुनेंगे। देखिए 4 फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब एक फंदा बचा, धागा आगे लाकर इसको उल्टा बुन लेंगे। अब ये इस तरह से हमारी 10th रो कंप्लीट हो गई है। अब यहां पर हमें 10th रो की तरह ही 12th और 14th रो बनानी है और राइट साइड की हमें हमारी सभी सिलाइयाँ सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए 14th रो तक इस डिज़ाइन को बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये 14th रो तक हमारा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। अब आ गए हैं हम राइट साइड रो 15 में। रो 15 में हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। यहाँ पर हमारे डिज़ाइन की सिर्फ 2 सिलाइयाँ बची हुई हैं, रो 15 और रो 16, जिसमें रो 15 में हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे और रो 16 में हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये देखिए 15 रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम रो 16 में सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे।
देखिए 16 सलाइयों को हमारा ये डिजाइन अब बनकर कंप्लीट हो गया है। देखिए कितना सुंदर ये डिजाइन दिखाई दे रहा है, सीधा उल्टा बुनते हुए हमने इस डिजाइन को बनाया है। इसे आप जरूर ट्राई करें, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।